जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल इंडियन आर्मी ज्ञान में। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नया एक पेपर जो कि 28 फेब को हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ये पेपर हुआ था IRO सेंटर दिल्ली में। तो इसका हम लेटेस्ट अपडेट आपके लिए सोल्यूशन लेके आए हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर सेंट स्क्रिप्ट मिशन टू इंडिया। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मशहूर क्रिप्स मिशन था, वो इंडिया में किसने भेजा था। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर, जी हाँ इसका राइट आंसर है विंस्टन चर्चिल। जी हाँ, उस टाइम के चर्चिल प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वहां पे एक रानी राज करती थी, ठीक है। तो वहां एक प्राइम मिनिस्टर होता है, अब भी वहां पे एक क्वीन क्वीन राज कर रही है, ठीक है, इंग्लैंड में। तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर को एज ए एग्जीक्यूटिव चलाया जाता है, ठीक है। वहां तब के टाइम पे विंस्टन चर्चिल थे प्रधानमंत्री, जिन्होंने क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा था। सो जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, डैश इज द नेम ऑफ द ट्रीटी साइंड आफ्टर द ओपियम वार। जी हाँ दोस्तों, पहले तो हम ये देखने कि ओपियम वार किसको कहते हैं। ओपियम वार थी अफीम की वार, अफीम को लेके जो दो देशों में झगड़ा हुआ था, वो उसके बाद एक संधि हुई थी, तो उस संधि का नाम था दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, उस संधि का नाम था, जी हाँ दोस्तों, उस संधि का नाम था नानजिंग ट्रीटी। नानजिंग चाइना के एक प्रांत का नाम है नानजिंग, ठीक है। ये चाइना, ये संधि मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये चाइना वर्सेस अमेरिका, अमेरिका में थी ये संधि दोस्तों, अमेरिका वर्सेस चाइना थी। तो इस संधि में पहले इनके बीच में ओपियम वार चली, उसके बाद ये संधि हुई थी। जी हाँ दोस्तों, इसका मैं डेट भी आपको बता दूं, 29 अगस्त 1842। जी हाँ दोस्तों, ये ट्रीटी का डेट था 29 अगस्त। ये कहाँ हुई थी, नानजिंग प्रांत था चाइना का, वहां पे हुई थी ये संधि। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इलेक्ट्स द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है मेंबर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जितने भी चयनित मेंबर्स होते हैं, जितने भी चयनित सदस्य होते हैं, वो अपने स्पीकर का चुनाव करते हैं। जो लोकसभा की जितनी भी मीटिंग्स होंगी इन फ्यूचर, उनकी अध्यक्षता करते हैं। सो आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द वर्ल्ड हेरिटेज साइट बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस। जी हाँ दोस्तों, इसको थोड़ा सा याद करने का तरीका मैं आपको बता दूं, गोवा में ज्यादातर चर्चेज हैं, ठीक है। सो गोवा है इसका सही आंसर। तो ये जीसस से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली चर्च से रिलेटेड है, तो ये याद रखना आप कि गोवा में है बॉम जीसस साइट, ये हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बेसिलिका बॉम जीसस, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमंग द फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड। सो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमंग द फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना क्वेश्चन को, इसके बारे में आपको मैं बाकी भी फैक्ट्स बताऊंगा। सो ध्यान से देखना दोस्तों। सो इसमें हमारा सबसे, इन चारों ऑप्शंस में से सबसे बड़ा जो आइलैंड है, जो सबसे बड़ा द्वीप है, वो है न्यू जिनीवा, न्यू गिनिया, ओके जी। सो ये है दोस्तों न्यू गिनिया, हमारा सबसे बड़ा द्वीप। वैसे तो सबसे बड़ा द्वीप जो है, मतलब पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है, वो है दोस्तों ग्रीनलैंड,
ग्रीनलैंड है जी सबसे बड़ा द्वीप, और इसका एरिया मैं आपको बता देता हूँ, स्क्वायर प्रति माइल के हिसाब से बताऊंगा, 836, याद रखना 836, 330 स्क्वायर माइल, स्क्वायर माइल इसका एरिया है 836, 330 स्क्वायर माइल्स, बट जो जिनीवा का एरिया है, जो जिनीवा का, जो गिनिया का एरिया है, ठीक है दोस्तों, वो है 31, 71, 50 स्क्वायर माइल। जी हाँ दोस्तों, ये दूसरे नंबर का, विश्व का दूसरे नंबर का है, बट इन ऑप्शंस में से नहीं दिया गया था, फर्स्ट नंबर वाला ग्रीनलैंड नहीं दिया गया था, तो ये आता है हमारा फर्स्ट नंबर पे। बट दोस्तों, जो बोर्निया है, बोर्निया ये हमारा तीसरे नंबर का सबसे बड़ा, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडस्ट्री वाज सिंबल ऑफ न्यू एरा। जी हाँ दोस्तों, ये वाला आंसर बड़ा ही इंटरेस्टिंग आंसर है, कॉटन इंडस्ट्री जो थी इंग्लैंड की, मैं इंग्लैंड की बता दूं आपको दोस्तों, इंग्लैंड की कॉटन इंडस्ट्री को कहा गया था न्यू एरा, न्यू एरा कहा गया था कॉटन इंडस्ट्री को। सो सही आंसर है कॉटन। सो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, 18वीं शताब्दी में भारत का कौन सा बंदरगाह जो बिल्कुल खत्म हो गया था, उसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई थी। सी तो जी हाँ दोस्तों, उसका आंसर बिल्कुल आसान है, सूरत, जहां से स्टार्ट किया था अंग्रेज, अंग्रेज जहां से आए थे 1600 ईस्वी में, ये अंग्रेज इंडिया में दाखिल हुए थे, उसके बाद ये वाले दो, बॉम्बे और कोलकाता, जो बॉम्बे और कोलकाता थे, ये बहुत ही प्रचलित बंदरगाहें बन गई थी, और सूरत को इन्होंने पीछे छोड़ दिया था। सो आंसर है सूरत। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इंडियन सिटी इज नॉन एज द सिटी ऑफ जॉय। जी हाँ दोस्तों, द इंडियन सिटी जो एज अ जॉय के रूप में जानी जाती है, तो वो है दोस्तों कोलकाता। कोलकाता को द सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। अब इसको कहा किसने था, एक फ्रेंच ऑथर थे, एक फ्रेंच ऑथर थे, उनका नाम मैं बता दूं आपको, डोमिनिक, डोमिनिक क्यू ले पेरे, इनके नाम ऐसे ही होते हैं दोस्तों, डोमिनिक से याद रखना है अपने, डोमिनिक। इन्होंने, ये एक ऑथर थे, ठीक है, इन्होंने बोला था कि यहाँ पे खाने को भी बहुत अच्छा मिलता है, यहाँ पे डांस में भी बहुत अच्छा है, ये वाइन डाइन हर एक चीज में बहुत अच्छा है, एक जॉयफुल सिटी है, इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा था द सिटी ऑफ जॉय, द डोमिनिक फ्रेंच ऑथर थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम बच्चों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड द हीट। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बोथ, दोनों का ही, ऊर्जा और बिजली का, दोनों का सुचालक है। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमारा साइंस का पार्ट शुरू हो जाता है। साइंस के पार्ट में आपको मैं बता दूं दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय हूम। जी हाँ दोस्तों, ये डिस्कवर्ड किया गया था, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय शैडविक, शैडविक ने ये डिस्कवर किया था, और इसका मैं बता दूं कब किया था, 1932 में, 1932 में ये डिस्कवर किया गया था दोस्तों। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पे बढ़ते हुए, एवरी एटम कंटेन्स, जी हाँ दोस्तों, हर एक एटम के अंदर, हर एक एटम के अंदर तीन तीन पार्टिकल्स तो जरूर होते हैं, तीन तरह के कण होते हैं, वो मैं आपको बता दूं,
पॉजिटिव, जिनको बोलते हैं प्रोटॉन, नेगेटिव जिनको बोलते हैं न्यूट्रॉन, और जिनका कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, खाली चार्ज के होते हैं। ठीक है, ये तीन तरह के प्रोटॉन न्यूट्रॉन सॉरी न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, आपको पहले से बता दूं, लिखने में थोड़ी सी, जी हाँ दोस्तों, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है, बट उसके बाद इलेक्ट्रॉन, इसका नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणात्मक चार्ज इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का धनात्मक, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। सो इसका आंसर है 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड एयर दैट फ्लोज टुवर्ड्स द सी फ्रॉम द आइलैंड फ्रॉम द लैंड, धरती से। सो जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, धरती से जो समुद्र की ओर जितनी भी ठंडी हवाएं चलती हैं उनको क्या बोलते हैं। जी हाँ, उनका राइट आंसर है दोस्तों, इनको बोलते हैं ट्रेड विंड्स। ठीक है दोस्तों, इनको बोलते हैं ट्रेड विंड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, बीटी सीड इज एसोसिएटेड विद। जी हाँ दोस्तों, बीटी सीड किससे एसोसिएटेड है। सो जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर हम 24th पे हैं, आप स्किप ना कर जाइएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का मैं आपको बारीकी से उसका आंसर बता रहा हूँ, उनके रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में भी बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनते रहिए, हमारी वीडियो पूरी देखते रहिए। सो जी हाँ दोस्तों, 24th क्वेश्चन जो है उसका आंसर है कॉटन। जी हाँ दोस्तों, कॉटन सीड जो है, बीटी सीड्स कॉटन से रिलेटेड होते हैं दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, सूर्य के नजदीक सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको मैं एक सीरीज बता देता हूं कि पहले मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड देन आफ्टर सो यूरेनस एंड और अंत में आता है शनि, सैटर्न हो गया, वीनस। सो ये है दोस्तों सिमेट्री, तो इसमें आपको पहला आंसर जो हुआ मरकरी, तो मरकरी आपका फर्स्ट आंसर हो गया कि फर्स्ट पे आएगा मरकरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सोडियम मेटल इज केप्ट इनसाइड विच लिक्विड। सी जी हाँ दोस्तों, सोडियम धातु को किस में डुबा कर रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसको सोडियम को हम हमेशा केरोसिन में डुबा के रखते हैं। क्योंकि ये हवा के साथ रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट करके इसमें आग लग सकती है, इसलिए हम इसको केरोसिन में डुबा के रखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस व्हेन अ गैस टर्न्स इनटू अ लिक्विड कॉल्ड। जी हाँ दोस्तों, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। जब हम हवा पे दबाव डालते हैं तो हवा पे दबाव डालने के बाद उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट का आंसर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज रबी क्रॉप। रबी क्रॉप में से आएगा दोस्तों गेहूं, बाजरा। जितनी भी याद रखिएगा दोस्तों, जो गर्मियों में लगती हैं और सर्दियों में कटाई होती है। गेहूं की कटाई कब होती है? अप्रैल के महीने में। ठीक है जी, इसको उगाया कब जाता है? अक्टूबर से, जुलाई से अक्टूबर के महीने, जुलाई से नहीं, अक्टूबर से नवंबर के महीने में सर्दियों में लगाया जाता है, सर्दियां एंड होने तक। इसका जब वैसाखी आती है पंजाब में, तो एक कहावत बड़ी मशहूर है, जट्टा आई वैसाखी मुक गई कणकां दी राखी। सो कनक को गेहूं बोलते हैं। सो दोस्तों, जो वीट होता है वो है रबी क्रॉप, और खरीफ जो खरीफ क्रॉप है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्रॉप जो आती है वो है राइस।
सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, ब्लड प्रेशर। हाँ जी, ये दोस्तों ब्लड प्रेशर ये तो हम आम ही देखते रहते हैं, तो जो हमारे आसपास भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है ड्यू टू डिप्रेशन एंग्जाइटी। सो इसके बारे में अभी हमें जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। तो इसका आंसर है 120 ऊपर वाला सिस्टोलिक एंड 80 जो है डायस्टोलिक। सो आंसर है इसका 120 80। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए दोस्तों, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर देयर इन किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स आर इन, अब देखो मैं आपको सही से बताता हूँ कैसे होता है। 1 किलोमीटर बराबर है 1000 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये 1000 हो गए, अब देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, एक का तो एक ही आ गया और 3 जीरो और 2 जीरो साथ में, सो कितनी आ गई, 5 जीरो और 1। तो हम देखते हैं है ऑप्शन, जी हाँ दोस्तों ये है हमारी ऑप्शन, 5 जीरो और उसके साथ 1 लगा हुआ है, तो ये आंसर है दोस्तों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट मिक्सचर इनमें से एक ही है, सिर्फ एक ही, वो है टिन। टिन इज अ अलॉय, इज अ मिक्सचर, ये दो चीजों से, दो एलिमेंट से मिलके बना होता है। तो ये बेसिकली ये काम क्या करता है, ये जंग नहीं लगने देता, जंग या रस्ट, लोहे को रस्ट नहीं लगने देता, इसलिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट वाला क्वेश्चन जो हमारा दोस्तों, वो है कि एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं दोस्तों। एंटीबायोटिक्स होते हैं कि जब कोई बच्चा या हम बीमार पड़ते हैं तो हमें एंटीबायोटिक्स तब दिए जाते हैं कि जब हमें एक सिंपल डोज, इफ सपोज कि पैरासीटामोल दी जा रही है, और पैरासीटामोल से अगर बुखार का नहीं फर्क पड़ रहा है तो उसके साथ उसको एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। वो क्या होता है कि वो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति बनाते हैं हमारे शरीर में, जिससे हम लड़ सके रोगों से। सो ये सारे के सारे ही, ये भी और ये भी, ये सारे के सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं। ओनली मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो फंजाई है, दिस इज अ फंजाई, ये एक फंजाई है। ठीक है, दूसरे वाले जो वो सॉइल बैक्टीरियाज हैं, ये सॉइल से आते हैं, ये वाला और ये वाला सॉइल का है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो है जो मैंने आपको पहले बताया, ये फंजाई का है। सो जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आप सबने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। तो ऐसी वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, सब्सक्राइब तो करें हमारे चैनल को। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, हम ऐसा ही कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। सो जी हाँ दोस्तों, नमस्कार।